नमस्कार, स्वागत है आपका सबके लिए व्लॉग में। ये है ईद का चांद जो मैंने पहली बार देखा है अब तक के लाइफ में, और मैं बहुत खुश थी। मैंने झटपट कैमरा ऑन किया, मैं सोच रही थी कि मुझे बिल्कुल ये मोमेंट मिस नहीं करना है, रिकॉर्ड करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ईद का चांद नहीं देखा होता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे टीटी आर्ट सर हैं वे देख रहे थे, तो मैंने देखा कि अरे वे क्या देख रहे हैं, जरा देखूँ तो। और फिर मैंने देखा, ओ अच्छा, ये ईद का चांद देख रहे हैं, बिकॉज अगले दिन ईद है और लोग ईद का चांद खोज रहे थे बाहर खड़े होके। तो फिर उनके साथ मैंने भी देखा और सच में बहुत सुंदर है। एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं कैमरे के साथ उतना अच्छा डील नहीं कर पाई, फिर भी मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया है, शायद सुंदर लगे सबको जैसा मैं देख पा रही थी रियल में। और थोड़ा बादल थे इसलिए उतना क्लियर भी नहीं था, फिर भी सबने ईद का चांद देखा और एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। अगले दिन हम लोग सुबह से ही लग गए प्लांटेशन में। स्वच्छता कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारे प्लांट्स लाए हैं हम लोगों ने, बहुत सारे गार्डनिंग के सामान लाए, जैसे कि बहुत सारे बीज और गमले, बहुत सारा चीज़ लाया गया है। और फिर हम लोग प्लांटेशन करने में लग गए, और बच्चे भी हमारे सभी गर्ल्स हमारे साथ लगी हुई थी। So this is lychee. Yeah, this is planted lychee. by Yongme and Mr. Yangpeng. Yes. Yes. Yes, और भी लेके आओ जो प्लांट पसंद हो। This is mango planted by Denshing and company. This is mango planted by class 10. Oh, and here we have Khanjan doing very hard work for planting pata nahi kaun sa plant. Ye mila first class soil. Yangpeng ko bahut hui khushi. Is kyunki udhar side ki jo soil thi wo bahut hi bekar thi, lekin fir bhi inhone 6-7 plant to lagai dale. बहुत पथरीली ज़मीन है जिससे जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो रहा था खोदना, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ लगाया है। और अब उसके बाद और भी प्लांट्स लाती हुई हमारी युंगमई, और हम इधर की तरफ अब लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा नहीं लगाने के लिए क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पेड़ हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हैं, शायद पहले वालों को भी यहाँ का मिट्टी पसंद आ गया होगा। यहाँ पे जो मिट्टी खोदते हुए आपको दिख रहा है हथियार, इसे यहाँ पे दाव कहते हैं, यहाँ का ट्राइबल उसे इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, वो लोग यहाँ रखते हैं, सभी इंडिविजुअल्स रखते हैं इसको। तो हमारी टीम थक गई है और थोड़ा रेस्ट कर रही है, और प्लांट्स में डालने के लिए पानी जा रहा है और प्लांट्स यहाँ वेट कर रहे हैं। सब लोग जंक्शन वाइज जगह जगह पे वेट कर, और कुछ पौधे यहाँ पे जंक्शन पे वेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप जाके आगे बढ़ेंगे और लगाए जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिए गए हैं पौधे, आप देख सकते हैं ये सुंदर सुंदर पौधे जगह जगह पर लगा दिया गया है। ये मलबेरी का प्लांट है, ऐसे ही बहुत सारे सब लाइन से लगा दिए गए हैं। एक जामुन और एक लीची यहाँ दिख रहा है, एक नीम है, हम नीम को देख सकते हैं। मिट्टी काफ़ी पथरीली है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ ज़मीन ठीक मिला है वहाँ लगाया गया है। ये बहुत अच्छा हाइब्रिड सा आम दिख रहा है, आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग की गई है इसकी बहुत सुंदर तरीके से। तो बच्चे इसको देखने के बाद उनको ये भी समझ में आया कि ग्राफ्टिंग कैसा होता है, क्या होता है, उन्होंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे समझ में आया इनको कि अच्छा ग्राफ्टिंग करने से ऐसे करके दो प्लांट्स को हम मिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैंगो
ट्री आने वाला है शायद हमारे लिए। एक मलबेरी को बिल्कुल यहीं पे लगाया गया है। बहुत सारे पौधे इधर भी लग गए। पिछली बार जहाँ यहाँ गेंदे के फूल थे उनके बीज झड़ गए और उस इतने सारे गेंदे के फूल निकले कि उनको उखाड़ उखाड़ के जगह जगह पे और जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे लगा दिया गया। और कुछ सब्जियों के बीज लगाए गए हैं। बहुत सुंदर सा ये टमाटर आपको दिख रहा होगा। टमाटर छोटा छोटा पौधा होता है लेकिन यहाँ आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा सा पेड़। और सचमुच ये पेड़ जैसा ही ऊपर चढ़ गया है दीवार का सहारा लेके, इस वजह से ये पूरा बड़ा ऊंचा दिख रहा है। और इस पर बहुत सारे टमाटर हैं। एक्चुअली ये चेरी टमाटो है तो छोटा छोटा होता है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा और बहुत खट्टा खट्टा सा टेस्टी होता है। इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। तो ये दीवार पकड़ के तो जो फैल रहा है, अगल बगल के प्लांट्स पे भी पूरा डोमिनेट होते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा घेर लिया है। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, पिछली बार आपने इसका फूल देखा था, मैंने प्लम का फ्लावर जब आया था तो दिखाया था। अभी इस पर बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं। पिछली बार फ्लावर्स तो आए थे लेकिन फ्रूट्स नहीं आए थे। इस बार ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया और बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं इस पर। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। और ये जब बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। कलर बहुत अच्छा लगता है प्लम का मुझे। और देखिए हमारे टीम ने प्लांटेशन किया है, कहाँ कहाँ पे जगह मिला वहाँ वहाँ इन्होंने लगा दिया है। ये नीम है। और ऐसे ही रोड के दोनों साइड प्रिंसिपल क्वार्टर के आसपास बहुत सारे ट्रीज़ लगे। ये है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया के बहुत सारे शेड्स प्रिंसिपल में हमने मंगाए हैं और बहुत सारे यूनिक ऐसे भी प्लांट्स मंगाए जो यहाँ के वेजिटेशन में नहीं है। जैसे कि ये नीम, नीम तो यहाँ कॉमनली नागालैंड में मिलता नहीं है, बट मैम ने मंगाया है और हम लोगों ने अच्छे से लगाने की कोशिश की इसको, ताकि यहाँ के ये एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाए। और अगर यहाँ पे ग्रो करता है तो यहाँ के बच्चों को एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ये प्लांट उन्होंने देखा नहीं होगा। ये टेंगा का प्लांट है, बड़ा होगा तो यहाँ बहुत सारे टेंगा खाने के लिए मिलेगा। ये है लेमन। ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज़ हम लोगों ने जगह जगह लगा तो दिए, बट फेंसिंग करना बाकी है अभी, क्योंकि गाय आके खा सकती है इसको। तो बैम्बू काट काट के छोटे छोटे से और इनके चारों तरफ ऐसे पूरा कवर किया जाएगा इसको, ताकि पता चल सके कि यहाँ 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 लगा हुआ है और उसको केयर कर सके। जानते ही होंगे यहाँ का जो सॉयल है बहुत पथरीला लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस है। बहुत फास्ट ग्रासेस ग्रो करते हैं। अभी ये हाल में ही आई थिंक 2 हफ्ते हुए हैं ग्रास कटिंग हुई थी, पूरे घास जलाए गए थे, पूरा क्लियर किया गया था, लेकिन फिर से इतने बड़े बड़े से फर्न और बहुत सारे प्लांट्स निकल के आ गए हैं। तो ये घास भी काटे जाएंगे अभी, ताकि ये जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं इनका जो न्यूट्रिशन वो खा खा के ख़त्म ना कर देंगे और ओवरकम ना करें इन पर, क्योंकि अगर हम नहीं हटाएंगे तो पता चला हमारा प्लांट मर गया और बाकी ग्रो करते जा रहे हैं। ज़्यादा तो पौधे यहाँ नहीं बचे हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं ये पॉट में लगाए जाएंगे, क्योंकि ये सब पॉट वाले प्लांट्स हैं। और ये मैं पौधा बचा के रखी हूँ मेन गेट पर लगाने के लिए। ये बहुत सुंदर लगता है गेट पर, तो इसको मैं गेट पर लगवाऊँगी। और बाकी छोटे छोटे प्लांट्स बचे हैं जो कि पॉट में लगाए जाएंगे। तो प्लांटेशन में मेहनत करने के बाद हम लोग सुंदर सुंदर बन के रेडी शेडी होके आ गए अपने दावते ईद में। और ये है बॉयज़ डॉर्मेट्री, आप पहचान रहे होंगे, पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा। और ये है हमारा एचएम का क्वार्टर। एचएम को क्वार्टर्स मिलते हैं यहाँ पे डॉर्मेट्री के अंदर में ही। और हम यहाँ पे सेवैये का स्वाद ले रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं।
सभी स्टाफ यहाँ पे आने वाले हैं और हमारे कैटरिंग सर लगे हुए हैं ज़बरदस्त वाला चिकन बनाने में, तरह तरह के मसाले वसाले एकदम रेडी लेके, और बढ़िया सा खुशबू आ रहा है। ये है टेस्टी सा सिवई जो कि टीजी आर्ट सर लेके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं घर भेजूँगा। मैंने पहली बार ईद का सिवई खुद बनाया है और ये खूबसूरत सा एक फ़ोटो लेते हुए हमारे टीजी आर्ट सर। और इधर अपना सारा भोजन भी रेडी है, ये बढ़िया सा पूड़ी अच्छे से पैकिंग में आया हुआ है, और ये हमारा राइस, राइस 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 बहुत सारा राइस खाना है, और चिकन पनीर सलाद फास्ट बनाया गया है, जैसे भी बन पड़ा हम लोग जल्दी जल्दी बना लिए, भूख लगा था और हम ही लोग को खाना था, कोई बहुत गेस्ट नहीं आने वाला बाहर से, तो हम लोग सभी स्टाफ बहुत इन्जॉय किए, बहुत अच्छे से खाए और तरह तरह की नोक झोंक होते रहे, बातचीत हमारे बीच, और उसी बीच टेस्टी सा खाना। पेट भर के खा लेने के बाद हम पहुँचे नीचे एक अच्छा सा ग्रुप फ़ोटो के लिए, और सभी स्टाफ ने मिलकर अच्छी सी खूबसूरत सी फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर चल पड़े हम लोग अपने अपने क्वार्टर्स के लिए। तो ये था बहुत सुंदर सा मेरा आज ईद का दिन। उम्मीद करती हूँ आपकी भी ईद ऐसी ही मज़ेदार बीती होगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब आनंद में रहिए।